नमस्ते। एक और नई कहानी लाया हूं आज सभी लोगों के लिए। एक समय की बात है, एक लड़का था जो कि बहुत परेशान था। वो घर में अकेला था, घर को संभालने वाला उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माताजी थी जो काम करने में सक्षम नहीं थी, और उसके छोटे 2-3 भाई बहन थे। उस लड़के ने बड़ी व्याख्याति सुनी हुई थी कि एक महाराज हैं, साधु महाराज, उनके पास जाओ वो सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो लड़का उन महाराज के पास पहुंचा और महाराज का जो निवास स्थान था वो था समुद्र के किनारे। लड़का महाराज के पास पहुंचा और उन्हें अपनी जीवन की समस्या बताई। महाराज, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं हैं, माताजी हैं जो काम करने में असमर्थ हैं, छोटे भाई बहन हैं मेरे, और मैं खुद आयु में इतना छोटा हूँ, मैं अपने पूरे परिवार को कैसे संभालूंगा, आप मेरी कुछ मदद करिए। मैंने बहुत विख्याति सुनी है आपके यहाँ की, जो भी आपके यहाँ आता है आप उसकी मदद करते हैं, तो मेरी भी मदद करिए। महाराज ने विचारा, कुछ सोचा और महाराज ने कहा कि तुम्हारी जो ये समस्या है, यदि मैं तुम्हें कुछ धन दे भी दूँ तो वो कुछ धन तुम्हारे पास कुछ ही दिनों तक चल पाएगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, पर तुम्हें निरंतर धन की ज़रूरत है। मुझे तुम विचार करने दो, मुझे थोड़ा सा सोचने दो, सोचता हूँ और सोच के बतलाता हूँ। और महाराज ने विचार किया और कहा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जो ये समुद्र के किनारे मेरी जमीन लगी हुई है ना, यहाँ पर एक पत्थर है, एक छोटा सा कंकर, तुम उस कंकर की तलाश करो। लड़के ने कहा, कंकर? महाराज ने कहा, ये ऐसा वैसा कंकर नहीं है, ये वो कंकर, ये वो पत्थर है, उसे तुम जिस भी धातु से स्पर्श करोगे वो धातु सोने की बन जाएगी। लड़के ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, अगर मुझे वो पत्थर, मुझे वो कंकर मिल जाए तो मैं धातु पर लगाऊंगा और धातु जो है सोने की बन जाएगी। महाराज ने कहा, देखो अगर तुम्हें वो पत्थर मिल गया तो जिंदगी भर तुम्हारा काम चलेगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, तुम अपने परिवार को भी अच्छा जीवन दे पाओगे। लड़के ने सोचा और लड़के ने कहा, यह बहुत अच्छा उपाय है, और लड़का तैयार हो गया। पर लड़के ने पूछा कि इतने सारे समुद्र किनारे पत्थर पसरे हुए हैं, इसमें वो पत्थर कौन सा, इसे कैसे पहचानूंगा? तो महाराज ने कहा, बहुत आसान है, यहां जितने भी पत्थर पसरे हुए हैं ये सारे के सारे पत्थर, इनका जो तापमान है वो ठंडा है, जब तुम इन्हें उठाओगे छुओगे तो महसूस करोगे इनका तापमान ठंडा है। वो एकमात्र ऐसा पत्थर है जिसे जब तुम उठाओगे और छुओगे वो है गर्म, उसके अंदर गर्मी है, तुम उसे छूते पहचान जाओगे वो पत्थर वही पत्थर है जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। लड़के ने शुरुआत करी खोज की और लग गया वो अपने काम पर, और सुबह से उसने पत्थर को उठाना चालू करा, छूता, महसूस करता ठंडा, और उन पत्थरों को वो समुद्र में फेंक देता। वो समुद्र में इसलिए फेंकता ताकि नए और पुराने पत्थर मिल ना जाए। तो वो शुरुआत करता सुबह से, पत्थर को उठाता छूता समुद्र में फेंकता, उठाता महसूस करता समुद्र में फेंकता। ये काम उसे करते करते एक हफ्ता हो गया, ये काम करते करते उसे 2 महीने हो गए, यही प्रतिदिन आके करता। वो आता, पत्थर को उठाता, उनका तापमान महसूस करता और उन्हें समुद्र में फेंक देता, उठाता समुद्र में फेंक देता। ये करते करते उस लड़के को 5 महीने हो गए, और 6वें महीने में कमाल हुआ, उस लड़के के हाथ में वो पत्थर आया। उस लड़के के हाथ में जैसे ही वो पत्थर आया, उसने उठाया, उसकी गर्मी को उसने महसूस करा और उसने उस पत्थर को फेंक दिया। ये कहानी हमें बहुत जबरदस्त बात सिखाती है। सबसे पहला सवाल उठाती है, उस लड़के ने पत्थर को क्यों फेंक दिया? उस सवाल का जवाब ये, उस लड़की की आदत पड़ गई थी पिछले 6 महीने में वो पत्थर को उठाता और फेंकता, उठाता और फेंकता, उठाता और फेंकता। उस लड़के के हाथ में वो पत्थर आया, उसने उसकी गर्मी को महसूस करा, लेकिन उसकी आदत हो गई थी पत्थर को उठा करके फेंकने की, तो उसने अपनी उस आदत के चलते उस पत्थर को उठा के समुद्र में फेंक दिया। और लड़का समुद्र में उस पत्थर को खोजने के लिए कूद नहीं सकता था। ये कहानी हमें बहुत जरूरी चीज सिखाती है, बहुत जरूरी बात सिखाती है, जो जिंदगी जो है ये हमारी आदतों का रिजल्ट है। आज हम जहां कहीं भी हैं वो हमारे पिछले 5 साल की आदतों का रिजल्ट है, और अगले 5 साल बाद हम अपने आप को जहां देखना चाहते हैं वो भी हमारी आदत, हमारे हैबिट, हमारे रूटीन का रिजल्ट होगी। इसलिए कहते हैं कि
अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए। ये थी आज की छोटी सी कहानी। मेरा नाम हिमांशु सोनी। नमस्ते, धन्यवाद।